उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। सर्वाइवल के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिंदगी काटने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी, लेकिन एक बात उन्होंने कही वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं? आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जा करके जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता है ऐसा कि एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई। होता है ऐसा? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने ये बात कही, मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूं और अपने उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ करीबन 7 या 8 साल के लिए, तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 ईयर्स। उसके बाद में करीबन 14 से 15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे चेस खेलता था, कभी अपने फादर के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पागलों की तरह खेलते थे हम। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया, 3 घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है, एंड में मेरी एक रानी रह गई, उसकी एक रानी रह गई, और बस उसी में लगे हुए हैं। एक हाथी मेरा रह गया और एक राजा रह गया, उसका भी एक हाथी और एक राजा है, अब लड़ते रहो। तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए, उधर से मम्मी की डांट आनी शुरू हो गई कि बेटा सो जा, कल स्कूल जाना है, ये है वो है, उधर से डांट पड़ रही है। तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को, गेम को उठाते थे और ले जा करके एक जगह पर रखते थे, और अगले दिन स्कूल से आने के बाद में 4 बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू। उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था, देखा जाए तो क्या है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? किस चीज़ की है कि आपको IIT में एडमिशन मिल जाए, IIMs में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, आप वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहाँ स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज़्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहाँ पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे चेस खेलते खेलते बाई डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक 3 घंटे तक 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा अगर आपको खेलना है तो, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ दी साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई,
दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और बिजनेस में और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं।